डीएम के पैरों से गिरकर फूटा एक मां का दर्द। 12 दिन हो गए और पुलिस ने नहीं ढूंढ रही बेटी। चकेरी में बेटी के अपहरण के 12 दिन बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता मां ने जिलाधिकारी नेहा शर्मा के पैर में गिरकर न्याय की गुहार लगाई है। इस पर जिलाधिकारी ने तुरंत महिला को पकड़कर उठा लिया और पूरे मामले की जानकारी ली। डीएम ने पीड़ित महिला को कार्रवाई का आश्वासन दिया, साथ ही संबंधित थाना पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा है। चकेरी के देवीगंज भट्ट निवासी राम कुमारी कठेरिया ने बताया कि उनकी 19 वर्षीय बेटी अंजू घर में चौका बर्तन करती थी। बीती 19 अप्रैल को वह काम पर गई, लेकिन घर नहीं लौटी। बेटी की तलाश शुरू की तो पता चला कि पटेल नगर स्थित एक टेंट हाउस में काम करने वाला कन्हैया वाल्मीकि उनकी बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया है। उन्होंने कन्हैया के खिलाफ बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन कार्रवाई नहीं की। इस बीच रविवार को जिलाधिकारी नेहा शर्मा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कार्यालय में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद के आने पर पहुंची तो राजकुमारी ने यहां उन्हें घटना की जानकारी दी। बेटी को जल्द खोजने की मांग करते हुए जिलाधिकारी के पैरों में गिर गयी। वही थाना प्रभारी मधुर मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की बेटी की तलाश की जा रही है।